नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। शीर्ष कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि यह ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो किसी व्यक्ति और को पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने के लिए विरासत में मिला हो। अदालत द्वारा राज्य सरकारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, यह राज्य सरकारों को इच्छा पर निर्भर है। कोई भी अदालत किसी राज्य सरकार को एससी एसटी समुदाय को आरक्षण देने के लिए आदेश नहीं दे सकती, यह राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है कि वह आरक्षण दे या नहीं, या प्रमोशन में आरक्षण दे या नहीं। जस्टिस एल नागेश्वर राव व जस्टिस हेमंत गुप्ता के बेंच ने यह फैसला उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता पदोन्नति पे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को आरक्षण की अपील पर सुनाया है। समुदाय को सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के संबंध में यही आंकड़ा जुटाने के संबंध में शीर्ष अदालतों ने कहा है कि आरक्षण देने से पहले इन आंकड़ों को जुटाना जरूरी होगा, और अगर राज्य सरकारों ने आरक्षण नहीं देने का फैसला किया है तब इसकी जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2012 के दिए फैसलों को पलट दिया है, जिसमें राज्य सरकार को निर्दिष्ट समुदायों को कोटा देने का निर्देश दिया था। उस समय वकीलों का तर्क था कि राज्य में संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) के तहत एससी एसटी समुदाय की मदद का कर्तव्य था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।